हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रसोई। ये देखिए, मेरे पास 2 केजी चिकन के टुकड़े हैं। ये मेरा फॉर्म वाली चिकन है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला ग्रेवी चिकन, जो एकदम मसाला से भरपूर रहती है और एकदम बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए हमारे किचन में आप। आइए फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास लगभग 900 ग्राम प्याज है। इसके लिए मैंने लिया है और इसे मैं अच्छे से एकदम पतली स्लाइस में काट लूँगी, एकदम पतली पतली, ताकि अच्छे से गले। तो इसके लिए मैं इसे इस तरह से काटती हूँ, चाकू से मुझसे जल्दी नहीं होती है, तो मैं इससे ही एकदम काट लेती हूँ फटाफट। और मैं इस सारे प्याज को इस तरह से कट कर लूंगी। और ये मेरा मसाला से भरपूर चिकन होगा। तो देखिए, ये मेरा प्याज कट गया है। तो अब मैं इसमें नमक मिला देती हूँ, जो कि चिकन में जितनी नमक लगेगी उतनी मैं पहले ही प्याज में डाल देती हूँ, ताकि प्याज थोड़ा अच्छे से गले। तो इसकी ग्रेवी जो है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इसका स्मूथ होती है इसकी ग्रेवी जब ये इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से मैं प्याज को पूरा नमक के साथ मिला के और इसे मैं रख दूँगी। तब तक ये इस तरह से प्याज भी इसका मॉइस्ट हो जाएगा इसमें, और तभी बहुत अच्छी से बनेगी। तो अब मैं ये मसाले की तैयारी कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें 2 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट एकदम भर भर के चम्मच डाली हूँ मैं। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ, इसमें मैंने जितनी सामग्री डाली है वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये मैं इसमें जीरा पाउडर डाल रही हूँ 2 चम्मच, ये 2 चम्मच धनिया पाउडर, और ये लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच मैंने दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। और ये कश्मीरी मिर्च लगभग 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया है, और ये काली मिर्च का पाउडर मैं 1/4 चम्मच इसमें डालूंगी। और ये हल्दी पाउडर मैं इसमें 3 चम्मच डालूंगी। ये गरम मसाला मैंने 2 छोटी चम्मच है, 2 चम्मच मैंने डाल दिया गरम मसाला का। और ये हल्दी अब मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच, ताकि चिकन का कलर एकदम अच्छा आए। मीट मछली का कलर अच्छा आने से ही देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये मेरा मसाला तैयार है, अब मैं इसमें पानी देके डाल दूंगी और उधर रख दूंगी। अब मैं ये चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और ये मैं तेल डाल दी हूँ। मैं ये आज पेस्ट्रेन ऑयल से बना रही हूँ, तो लगभग ये 200 ग्राम तेल मैं इसमें डाल रही हूँ। इतना में मेरा पूरा चिकन 2 केजी बन जाएगा, और अलग से मैं नहीं डालूंगी इसमें। तो ये फ्रेंड्स देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके तेल कढ़ाई के चारों साइड घुमा के लगा देती हूँ, ताकि चिकन जब मैं इसमें डालूंगी तो कढ़ाई में चिपके नहीं, और ये तेल ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तभी मैं इसमें चिकन डालूंगी, क्योंकि नहीं तो फिर वो चिकन का जो वो पीस है ना कढ़ाई में चिपक जाएंगे। एकदम गर्म हो जाए तभी फिर। ये देखिए, अब मैं इसमें चिकन डाल दी हूँ, और ये चिकन 2 केजी है हमारा, तो मैं इसको 4 भाग में करके 4 बार में इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मैं एकदम थोड़ा सा स्लो फ्राई कर लूँगी। कलर इसका चेंज हो जाएगा और लाइट इसका
मतलब थोड़ा सा ये कलर चेंज भी होगा और हल्का ब्राउन भी हो जाएगा, एकदम हल्का ब्राउन थोड़ा सा। तो इस तरह मैं चला चला के करूँगी और ये 2-3 मिनट में हो जाते हैं। तो ये देखिए 2-3 मिनट के बाद मेरा ये चिकन का पीस इस कलर का हो गया है। तो इसे मैं ये निकाल लेती हूँ तेल से एक बर्तन में, और फिर मैं इस तरह से दूसरा चिकन भी इसमें डालूंगी, उतना ही अमाउंट में डालूंगी, और फिर इसे मैं अच्छे से तलूंगी। और उसी तरह से फिर सेलो फ्राई करना है, इसका कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा। इस देखिए इस तरह का कलर हो जाएगा, और इससे ज़्यादा एकदम लाल नहीं करना है। तो फिर उसका टेस्ट में अंतर आ जाता है। तो इस तरह से मैं पलट पलट के एकदम अच्छे से इसका, और ये जो चिकन के साथ थोड़ा तेल निकल आता है और कढ़ाई से, तो उसको मैं फिर से उसमें डाल देती हूँ थोड़ी देर के बाद। और इस तरह करके सारे चिकन को मैं फ्राई कर ली। अब ये देखिए मेरी कढ़ाई में मैं बस डायरेक्ट मसाला वो जो मैंने रखा था उसको मैं डाल देती हूँ। और इसमें मेरी सारे मसाले हैं, और ये हरी मिर्ची मैं लगभग 4, आप चाहो तो तीता खाना चाहो तो ज़्यादा दे सकती हो। इससे इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना, इसका ग्रेवी का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये देखिए मैंने चिकन को दूसरे बर्तन से ढक के उसका जितना भी वो तेल वगैरह था वो सारा मैं इसमें डाल दी, ताकि ये मसाले अच्छे से भून जाएंगे, और ऊपर से मुझे तेल नहीं डालना है। तो ये मैं मसाला भूंज रही हूँ इसको, और इस तरह भूंजते भूंजते मेरा देखिए इस तरह का हो गया है। लगभग 6-7 मिनट लग जाते हैं मसाला भून जाते हैं। थोड़ा सा फ्लेम को कम करके ही बनाना है, और उसके बाद मैं इसमें जो प्याज में मैंने नमक मिला के रखा था उसे मैं डाल देती हूँ, और इसको मैं भूंजूंगी। इसको भी प्याज को भी मैं लगभग 10-12 मिनट के आसपास, 10-12 मिनट एकदम लो मीडियम फ्लेम में भूंजती हूँ। उसके बाद ये धीरे धीरे मसाले के साथ मिक्स होते जाएगा और ये गलेगा। तो इस तरह मैं भूंजते जाती हूँ, और चलाते रहना है एकदम 1-2 मिनट में, नहीं तो 1-1 मिनट करके इसे चलाते ही रहना है, नहीं तो नीचे से जल जाएंगे मसाले। तो ये मसाला और प्याज एक साथ पकेगा, और ये देखिए इस तरह से भूनना है मुझे। ये लगभग प्याज को 10-12 मिनट लगेगा भूनने में, तो एकदम भून जाएगा अच्छा से, और ये एकदम फ्राई हो जाए अच्छे से। तो फिर तब मैं इसमें चिकन डालूंगी, इस तरह से कर कर के जलने नहीं देना है फ्रेंड्स। तो ये चिकन ना बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि ये आपको कैसी लगी, और आप और किस तरह का खाना देखना पसंद करते हैं। ये देखिए 10-12 मिनट मेरा लगभग हो चुका है, और ये इस तरह का हो गया है, साइड से ये तेल मेरा छोड़ रहा है। तो अब मैं ये चिकन की सारी पीसेस में जो मैंने रोस्ट करके रखा था उसे मैं डाल देती हूँ, जो फ्राई मैंने किया था तो उसे मैं इसमें डाल दूंगी। और ये अब चिकन के साथ ये मसाला भी और चिकन भी एक साथ भूजेगा, तो इसका टेस्ट ना और पूरा चिकन के अंदर तक चला जाएगा मसालों का टेस्ट। तो इसे अब देखिए मैं ढक ढक के थोड़ी थोड़ी देर में चला चला के पकाऊंगी, ताकि ये मसाला और चिकन एकदम एक दूसरे में घुल मिल जाए। और इस तरह से
इसको मैं लगभग, आप अपना फ्लेम कम करके रखिएगा नहीं तो नीचे जलेगा, और इसे थोड़ा सा अब इस तरह से हो रहा है तो मैं इसे फिर ढक दूंगी और इसका देखिएगा कलर भी धीरे धीरे चेंज होते जाएगा और वो चिकन के पीस के अंदर इसका जो है ना मसालों का फ्लेवर जाएगा और ये बहुत ही अच्छी बनती है। ये मेरा 2 केजी चिकन है तो थोड़ा चलाने में ये हो रहा है, लेकिन ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है जैसे जैसे भूनेगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला डालूंगी। ये देखिए मैंने 2 चम्मच चिकन मसाला ली हूँ तो इसको भी मैं डाल देती हूँ और इससे चटपटा हो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इसका टेस्ट। तो थोड़ा सा मैं 2 चम्मच चिकन मसाला इसमें डाल दी। ये तो पहले से तैयार रहता है तो इसको ज़्यादा भूनने का ज़रूरत नहीं है। और प्याज भी मेरा देखिए इसमें गल रहा है। अब ये कलर इसका देखिए एकदम से एकदम अलग कलर हो गया है इसका। अब मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी जो कि मैंने पहले से ये आप पानी अपने अनुसार डालिए। हमेशा नमक और मिर्च ये अपने इसे डालना है और ग्रेवी आप अपना देख लीजिए कि आपको कितना गाढ़ा या कितना पतला ग्रेवी चाहिए तो अपने अनुसार अपना थिकनेस देख के डालिए। ये चावल रोटी या फ्राइड राइस पुलाव सबके साथ ही अच्छा लगेगा, चिकन खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसको ढक के लगभग 5-7 मिनट या एकदम लो फ्लेम करके 10 मिनट भी आप छोड़ सकते हैं तो ज़्यादा ही ये हो जाएगा, कोई ये नहीं है, लेकिन 10 मिनट छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ इसका पक गया है। तो बाद में मैं लास्ट में थोड़ा सा धनिया की पत्ती, इसमें डंठल वाली नहीं देनी है, एकदम केवल पत्ती तोड़ के डालती हूँ मैं, थोड़ा सा इसका फ्लेवर भी आ जाए तो ये ना एकदम बहुत ही मस्त बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आया फ्रेंड्स। तो आप लोगों को कैसा लगा खा के बना के देखिएगा ज़रूर, और मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो धनिया की पत्ती डाल के मैं इसे लगभग 2-3 मिनट पका ली हूँ और अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ इसका ग्रेवी कैसा हुआ है। तो हल्का सा इसमें थोड़ा सा प्याज भी दिखता है, लेकिन नहीं बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यम होती है। तो देखिए इसका कलर कितना प्यारा हो गया है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड्स, लव यू ऑल।